फिफ्थ के लिए बात करें, फिफ्थ में क्या कह रहा है, प्रूव दैट 1 प्लस एक्स की पावर एन, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, एग्जांपल नंबर 5 के अंदर, ठीक है, पी एन सच दैट 1 प्लस एक्स की पावर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस 1 प्लस एन एक्स, इसके लिए करना है, ठीक है। कैसे करते हैं, सबसे पहले सर, सबसे पहले तो एन इक्वल टू 1 कर दो, ठीक है, चलो कर दिया, n इक्वल टू 1, तो p 1 सच दैट 1 प्लस x की जगह मत कर देना, n को रिप्लेस करना है, ठीक है। बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, x को ही रिप्लेस कर देते हैं, किसको रिप्लेस करना है, n को 1 प्लस 1 इंटू एक्स, ये आ गया, ये कितना 1 प्लस x, ठीक है, ये कितना 1 प्लस x, जो कि हमारा क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ठीक है, जो कि क्या है, हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। आप चाहे तो इसको यहां लिख सकते हो P1 इज ट्रू, जो कि लिखकर दिखाना ही है। उसके बाद n की जगह क्या पुट करना है, k पुट करना है, ठीक है, एज्यूम करना है। अगर मैं कहीं पर ये लिखना बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें लिखना नहीं है, ये लिखना ही है, ठीक है, ये लैंग्वेज आपको इस्तेमाल करनी है। एज्यूम दैट पी के इज True, P K such that 1 plus x की पावर K 1 plus K x, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद क्या पुट करना है, पुट n इक्वल टू K plus 1, ठीक है, P K plus 1 such that 1 plus x की पावर k plus 1 हो जाएगी, क्योंकि n को रिप्लेस कर रहा हूं, ठीक है। फिर से भाई greater than equal to 1 plus n की जगह k plus 1 into में x, ये है। और अब मुझे प्रूफ क्या करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, 1 plus x की पावर k plus 1 is greater than, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 1 तो 1 ही रहेगा, k into x हो जाएगा और x हो जाएगा, ठीक है, ये प्रूफ करना है आपको। फिर से भाई इसको क्या लेट करूंगा मैं, सेकंड लेट कर लूंगा, क्योंकि इसका भी अब यूज हो सकता है। 18 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, बाकी सारे क्वेश्चंस के अंदर आपको अच्छे से समझ में आएगा, कंपेयर ही करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन जल्दी से एग्जाम में नहीं आता, अगर एग्जाम में आ रहा है तो अपनी किस्मत को अच्छा समझना, ठीक है। कैसे करना है, इसके बाद इसको प्रूफ करना है, क्या करूं, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूं, यानी कि ये क्या है मेरे पास, 1 प्लस एक्स की पावर के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस के एक्स। क्या करना होता है सर, इसको ये बनाना होता है, क्या बनाना होता है, टू प्रूफ में जो ये साइड होती है और ये साइड जो फर्स्ट में होते हैं, इन दोनों को इक्वल करना होता है। एक होता है यहाँ पावर कितनी, प्लस वन, पावर ऐड तो होती है जब बेस सेम से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो बेस यहाँ पर क्या है, 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब ऊपर लिखूंगा, इसके बाद यहां से ये मैं मिटा रहा हूं, लो ये यहां से मैंने मिटा दिया, ठीक है। क्या मिलेगा मुझे, ये के प्लस वन हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, लिखकर दिखाऊं, अरे भाई इलेवंथ क्लास में इतना तो कर ही लोगे, हाँ ये आ गया। उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1 प्लस के एक्स की मल्टीप्लाई किसके साथ, 1 प्लस एक्स के साथ, लो 1 प्लस एक्स लिख दिया, मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो अब मेरे साथ बस ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। 1 की 1 के साथ 1 आ गया, इस 1 की x के साथ x आ गया, kx की 1 के साथ kx आ गया, kx की इसके साथ कितना आ जाएगा, kx स्क्वायर आ जाएगा। भाई देखो ऐसे ही करते ना मल्टीप्लाई, पहले पहले वाले नंबर की दोनों के साथ, फिर दूसरे वाले नंबर की दोनों के साथ, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, इसको
थर्ड ले ऐड करना है। और अब यहां पर फिर से दोबारा से देखो वही समझाऊंगा मैं, अगर मैं किसी तरीके से सेकंड और फर्स्ट बनाऊ, सेकंड और थर्ड में रिलेशन बनाऊ तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, यहां देखना मैंने लिखा सबसे पहले वन प्लस, पहले ही लिखा ठीक है, वन प्लस एक्स प्लस ए एक्स, आप ये भी लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहीं आपके मन में डाउट आ रहा हो कि सर ये क्यों नहीं लिख रहे, कुछ भी लिख सकते हो आप, वो तो आपको कंपेयर करने के ऊपर है कि आप जब कंपेयर करोगे वो सही होना चाहिए। ठीक है, ये लिखा मैंने, इन दोनों में कौन छोटा होगा बताओगे? ध्यान से देखना, वन यहां भी और यहां भी, के एक्स यहां भी, यहां भी, एक्स यहां भी और एक्स यहां भी, बड़ा कौन हुआ? सर बड़ा तो ये हुआ, इसमें एक पार्ट एक्स्ट्रा है और पॉजिटिव ही है, ये भी हम जानते हैं। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि एक्स स्क्वायर है भाई, एक्स स्क्वायर कोई भी टर्म हो ठीक है, के के अंदर कुछ भी हो दोनों पॉजिटिव ही होंगे ना, क्योंकि के तो हमारा ऑलरेडी बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, और स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव ही आएगा हमेशा, तो यानी कि ये एक्स्ट्रा हो गया, तो ये हमारे पास बड़ा है किससे? इससे, ये बड़ा है किससे? इससे। तो मैंने लिखा देखो यहां पर, ये वाला बड़ा है हमारा किससे? इस वाले से, वन प्लस के एक्स प्लस एक्स, इससे बड़ा है, ये ब्रैकेट भी लगा देना ठीक है, ये बड़ा है। और उसके बाद ये किससे बड़ा है? ये इससे बड़ा है, यानी कि मैं यहां लिख सकता हूं वन प्लस एक्स की पावर के प्लस वन, इससे बड़ा है, इससे बड़ा क्या है? ये है। अब जरा थोड़ा सा ध्यान देना यार, एक बार बताओ, ये वाला इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, आपस में इन दोनों का क्या रिलेशन बनेगा? कि वन प्लस एक्स की पावर के प्लस वन बड़ा होगा वन प्लस के एक्स प्लस एक्स से, और इक्वल टू भी लगा लेना क्योंकि हमारे साथ इक्वल टू चल रहा है, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू चल रहा है ना। क्या प्रूफ करना था? कहां गया यार? ये प्रूफ करना था, देखना टू प्रूफ पे लिखा हुआ है, हो गया प्रूफ, क्वेश्चन आपका खत्म। पहले वाले से इजी है, बस आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना आना चाहिए। कंपैरिजन करना तभी आएगा जब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, तो दिमाग का इस्तेमाल करो और क्वेश्चंस को करते जाओ। इसको मिटा रहा हूं मैं, वीडियो पॉज करके देख लेना।